सबको गुड इवनिंग। तो सेकंड हमारा अरुण धुनी की टीम को, तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम तार है, टाइटल तार। तो मैं हिमालयन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो ये हमारा प्रेसिडेंट, ये ऑफिस सेक्रेटरी, ये वुमेन विंग के प्रेसिडेंट, और ये जो हमारा वुमेन विंग की AGS। तो आज हम लोग ने यहाँ में प्रेस ब्रीफिंग करने आए हैं। तो रिगार्डिंग अभी जो हमारा कमले डिस्ट्रिक्ट में जो जो BSU होता है, ऑल गैपिंग एरिया स्टूडेंट्स यूनियन, तो रहा रिसेंटली जो अभी इलेक्ट हुआ है तो कल में, तो रिगार्डिंग मैं इस को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्योंकि किसलिए बोलने से, उस दिन जो 30 मार्च को एक कंप्लेंट लेटर आया था, तो मिस्टर तांग निजी ने हम लोग को एक मैनेजमेंट और यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी और हम लोग का स्टूडेंट अफेयर्स को रिप्रेजेंटेटिव को, हम लोग का हिमालयन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को एक कंप्लेंट लेटर आया है कि ये स्टूडेंट्स, ये कृष्ण बाबला जो यहाँ में पढ़ता है कि नहीं, तो हम लोग को क्लियरिफिकेशन दे दो बोले। तो हम लोग ने उसको, हम लोग को कंप्लेंट किया है। तो मेरा हाथ में कंप्लेंट लेटर आया था। कंप्लेंट लेटर ये है, तो 30 मई को हुआ था। तो मैंने वो कंप्लेंट लेटर को लेके तो हमारा यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी को बताया। तो अथॉरिटी के बताने का बाद हम लोग ने, मैंने अथॉरिटी को कहने का बाद फिर उसको वेरीफाई करने दिया। वेरीफाई में ये मिला है कि ये स्टूडेंट्स जो कृष्ण बाबला जो हमारा हिमालयन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, पिछला साल 2018-19 में वो ग्रेजुएट हो चुका था। तो ऐसे हम लोग को वेरीफाइड करके हम लोग ने मिला है। तो हमारा यूनिवर्सिटी का तरफ से, थ्रो एग्जाम कंट्रोलर से, अकाउंटेंट से, उसके बाद अथॉरिटी से ये क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि ये कृष्ण बाबला जो यहाँ में पढ़ाई नहीं करता है, एडमिशन नहीं किया है, तो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया। उसके बाद कल परसों 2 तारीख में मैंने वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेके, परसों 2 तारीख में मैं अपने तरफ से स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से मैंने इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर को मैंने कॉल किया था। हमारा पास ये कंप्लेंट लेटर आया है, तो ये क्लियर कट हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बता रहे कि ये स्टूडेंट्स यहाँ में नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर कॉल किया, बताया है ये लड़का हमारा स्टूडेंट नहीं है। तो आप लोग अगर वहाँ पे एंटरटेन करता भी है, तो मैंने फ़ोन में बात किया, एंटरटेन मत करो क्योंकि ये हमारा स्टूडेंट नहीं है, बोनोफाइड स्टूडेंट नहीं है हिमालयन यूनिवर्सिटी का। तो ये है, तो आज फिर देखने को मिला है कि मैंने ऐसे कहने का बात, फिर कल आज फिर देखने को मिल रहा है कि ये स्टूडेंट्स जो कृष्ण बाबला जो कंटेस्ट करने की बात, ये जो इलेक्ट होके आ गया, बल्कि मुझे रिजल्ट मिला है। तो इसीलिए आज मैं साफ साफ बताना चाहूँगा हमारा लोग को, ये हमारा यूनिवर्सिटी को टेक को लेके नाम को लेके ये प्रोजरी किया है। तो मैं स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से मैं उसको टोटली कंडेम करता है, क्योंकि ये सही तरीका नहीं है।
इसलिए हम लोग जो उसको टोटली कंडेम करता है, तो हम लोग का डिमांड ये है कि जो इंसान जो कृष्ण बाबला आप तुरंत अपोलोज करना है, तो रिटिन वे से पब्लिकली आप अपोलोज करना है, तो ये हम लोग का डिमांड है। उसके बाद मैं और एक इलेक्शन कमिश्नर को, मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। इसको ये रिसेंटली अभी जो इलेक्ट हुआ है उसको आप जल्द से जल्द कैंसिलेशन करना है, इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेके, क्योंकि ये बोनोफाइड स्टूडेंट्स नहीं है, ये प्रेजेंट स्टूडेंट नहीं है जो कंटेस्ट कर सकता है, ये एक्स स्टूडेंट्स है। ये हमारा यूनिवर्सिटी का, हिमालय यूनिवर्सिटी का ये एक्स स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हमारा यूनिवर्सिटी का नाम को लेके यहाँ में है जो नॉमिनेशन पेपर जो उन्होंने सबमिट किया था, उन्होंने सबमिट किया है कि नॉमिनेशन पेपर में ये लिखा है कि हम हिमालयन यूनिवर्सिटी में एमए पढ़ रहे हैं। आई कार्ड भी जरूरत करके दिखाया, कुछ कुछ जो प्रूफ दिखाया, जो इंसान जो हमारा यूनिवर्सिटी में पढ़ता ही नहीं है, तो क्लियर कट यूनिवर्सिटी की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन दे दिया। तो मैंने भी बाय फोन में कॉल किया, उसको भी नहीं मना है, तो ज़बरदस्ती करके वो कंटेस्ट करके आज का दिन में वो जीत भी लिया। तो हमारा स्टूडेंट का तरफ से, हिमालयन की तरफ से कोई किसी को इंटेंशन नहीं है क्यों आप जीत सकता है, क्यों आप इलेक्शन लड़ सकता है, वो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन वही है हमारे यूनिवर्सिटी का टैग को लेके, हमारे यूनिवर्सिटी को नाम को लेके आप बदनाम नहीं कर सकता है, ये गलत है। तो इसलिए मैं कृष्ण बाबला को हिमालयन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की ओर से मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं वार्न करता हूँ, आपको हम लोग लेटर देगा विद इन नो टाइम में, आप अपोलोज होना है, अपोलोज करना है। इफ अगर हम लोग का बात को निगलेक्ट करता भी है तो हम प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, तो आप भी खराब नहीं पाना है, तो इसलिए यही बताना था। थैंक यू सो मच। आई ऑन द बिहाफ ऑफ हिमालयन यूनिवर्सिटी एंड हिमालयन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन एज ए प्रेसिडेंट, तो मैं बहुत दुखद के साथ मैं यही बात में बोल रहा हूँ कि ये जो कृष्णा बाबला और ऑलरेडी जो मेरा जो प्रमोट स्पीकर मेरा जो जीएस ने कहा है डिटेल बता चुका है, तो मैं आपको इतना तक मैं बोलता हूँ, आप अगर हिमालयन यूनिवर्सिटी को आपने गलत विषय में आप ले जा रहे तो, और ले जा चुका है और आगे भी प्रोसेस में ले भी जाएगा, तो हम आपको टोटली हम कंडेम करता है। आप जो भी किया है आप सिर्फ एक दो आदमी का जिंदगी को खिलवाड़ नहीं किया है, आप पूरे यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ाई करता है उसको आप बदनाम कर रहा है। इसलिए मैं आपको एज ए यूनिवर्सिटी की ओर से और स्टूडेंट की ओर से और यूनियन की ओर से मैं आपको ये अपील करता हूँ कि आपको हम कल 5 तारीख का सुबह तक आपको हम समय देता है, आपका जो रिटर्न हुए में और तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिया से आपने अपोलोज देना है हिमालयन यूनिवर्सिटी को और हिमालयन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन को, आप अपोलोज देना पड़ेगा। कल सुबह आपको 9 बजे तक मैं समय दे रहा हूँ, आप जब तक आप अपोलोज नहीं देगा कल सुबह 9 बजे पार होने के बाद मैं आपको FIR में दर्ज करूँगी ऑन द बिहाफ ऑफ हिमालय यूनिवर्सिटी की ओर से और स्टूडेंट की ओर से मैं आपको FIR दूंगा। आज 4 तारीख का अभी 8:30 है, कल आपको 9 बजे तक समय दे रहा हूँ, 5 तारीख का 9 बजे तक समय दे रहा हूँ, आप जल्द से जल्द आपका जो अपोलॉजी लेटर को सबमिट कीजिएगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ हिमालय यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट होते हुए मैं डोलंग जम्स आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि
आपको मैं किसी प्राइवेट का किसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और मैंने आपको यही मैं बोलता हूँ कि आप इलेक्शन जा कहीं भी लड़ सकता है, आप जितना ना जितना वो आपका ऊपर है, आप किसी को पर्सनली दुश्मनी आपका जो ओपिनियन को ओपिनियन जो भी आप दुश्मनी तो आपका ही है, लेकिन आप हिमालय यूनिवर्सिटी को खिलवाड़ किया है, इसको हम टोटली टॉलरेंस मैं कभी नहीं करूँगा, और हम स्टूडेंट की ओर से यही इसको हम आगे प्रोसेस तक ले जाएंगा, और हिमालय यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट लोग भी इसको आगे प्रोसेस तक ले जाएगा। कोई भी हिमालयन का नाम को लेकर फेक सर्टिफिकेट नहीं भेजेगा, दिखाई देगा, और जो भी स्टूडेंट जो भी पब्लिक हमने इसको टोटली इसको कंडम करेगा, और मेरा जब तक मेरा टेन्योर है वो कोशिश करेगा इसको सही मुद्दा पर लाने के लिए, और आगे प्रोसेस भी यही हम लोग यूनियन का चर्चा रहेगा, और इस जैसा हरकत को हम लोग टोटली नहीं मानता है। और कल सुबह मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल सुबह 9 बजे तक कृष्णा बाबला आपको हम समय देता है, और कल सुबह 9 बजे तक आपका अपोलॉजी लेटर हम लोग का साथ में नहीं आएगा तो हम लोग आगे प्रोसेस जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।